नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। जातिगत जनगणना को लेकर लगातार सरकार और विपक्ष के बड़े नेताओं के बीच जो जुबानी हमले हैं, जो बयानबाजी है, वो तेज होती जा रही है। खासतौर पे जब से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसको लेकर रुख सामने आया है, उसके बाद से ये बयानबाजी और तेज हो गई है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इसे लेकर संघ और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। हैशटैग कास्ट सेंसेस, हैशटैग रिजर्वेशन, हैशटैग आरजेडी। ये एक्स पर ये लिखते समय उन्होंने एक न्यूज़ चैनल की खबर को कोट करते हुए ये बात लिखी है, जिसमें आरएसएस के हवाले से ये खबर दी गई थी कि समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना। बहरहाल, आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर पहले लालू यादव ने हमला बोला और उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान भी आया। तेजस्वी यादव ने लालू के बयान को पूरी तरह सही ठहराते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। हाँ, तो ये लोग तो विरोधी लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। और जब तक आप देखिएगा, ये लोग बड़ी चतुराई से जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे एकल पद वाला मामला हो, लेटरल एंट्री वाला मामला हो, या क्रीमी लेयर का SC ST का बात हो, लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं। तो जाहिर होता है ना कि भाई ये लोग पूरी तरीके से आरएसएस बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग कास्ट सेंसस विरोधी लोग हैं, ये लोग गैर बराबरी जो समाज में है उसको मिटाना नहीं चाहते हैं। तो ये पूरी तरीके से लोगों को जो लालू जी ने कहा ठीक कर। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि जो जातिगत जनगणना है वो बहुत ही संवेदनशील मसला है और इसका जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये आरएसएस का कहना है और उसको लेकर जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो इंडिया जो गठबंधन दल समूह है उसकी तरफ से, कांग्रेस ने भी आरएसएस को निशाने पर लिया है और अब लालू प्रसाद यादव ने भी बेहद तीखा हमला इसे लेकर बोला है। राहुल गांधी तो आए दिन ये बात कहते आए हैं कि चाहे कुछ हो जाए सरकार को जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी। अगर ये सरकार जनगणना जातिगत नहीं करवाएगी तो आने वाली सरकार, अगले प्रधानमंत्री ये काम ज़रूर कराएंगे। तो बयानबाजी लगातार जारी है और देखना होगा कि क्या लालू के बयान पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।